CSC ID से हम उद्यम रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाएंगे। तो ऊपर में आप लोग सर्च कर लेना है, इसमें सर्च बटन पे उद्यम करके, तो यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपका CSC ID को लॉगिन कर लेना है। इसमें लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर इसमें डाल देना है, और यहाँ पे आधार कार्ड का जो नाम है वो नाम को देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर देने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे, और यहाँ पे प्रोपराइटर को सिलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड देने के चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके पैन वैलिडेट पे क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है, और इसमें GST नंबर है तो यस कर दीजिए, और GST नंबर नहीं है तो नो कर दीजिए। और इस पर देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे नाम आ जाएगा, और इसमें मोबाइल नंबर को ऐड कर दीजिए, और इसमें ईमेल ID को दे दीजिए। तो देने के बाद नीचे पे आने के बाद आपका यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, ST SC OBC जनरल, और इसमें मेल फीमेल आपको सिलेक्ट कर लेना है, और इसमें डिसेबिलिटी है या नो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें डिसेबिलिटी नहीं है तो नो सिलेक्ट करके यहाँ पे जिसमें भी आपका बिजनेस है वो बिजनेस का नाम को इसमें टाइप कर देना है। आपका बिजनेस का नाम टाइप कर देने के बाद आपका जो यूनिट का नाम है वो आपको नाम यहाँ पे टाइप कर देना है। तो यही से हम नाम को, दो नाम को हमने टाइप किया है, ये इन सर्विस को हम यूज़ करते हैं इसलिए हमने दे दिया है। और यूनिट नेम आपका जो भी यूनिट नेम है वो यूनिट नेम देने के बाद यहाँ पे हमने जो सेम टू सेम यूनिट नाम दे के यहाँ पे ऐड मोर पे हमने क्लिक कर लिया है, ठीक है। एड्रेस वगैरह दे के हमने ऐड कर लिया है, और यहाँ पे दूसरा को भी हम ऐड कर लेंगे यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर करके, और इसमें भी हम एड्रेस वगैरह दे के हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। आपका जो भी बिजनेस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस आप अगर ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पर नीचे पे आ जाते हैं, नीचे पे आने के बाद यहाँ पे एड्रेस देने के बाद और भी ऑफिस का एड्रेस दे देना है, जिसमें भी आपका लोकेशन होगा वो लोकेशन दे देना है, और इसमें किस दिन का आपका बिजनेस स्टार्ट किया है वो डेट डाल देना है, किस दिन का बिजनेस आपने शुरू किया है वो दे देना है इसमें। और देने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक का अकाउंट नंबर आपको दे देना है, आपका सेविंग करेंट जो भी बैंक अकाउंट का नाम है वो नाम दे देना है। इस तरह से हमने पंजाब नेशनल बैंक दे दिया है, और इसमें IFSC कोड हम दे देंगे, और इसमें अकाउंट नंबर हम टाइप करके दे देंगे। तो अकाउंट नंबर वगैरह टाइप कर देने के बाद यहाँ पे NIC कोड को यहाँ पे देखिए, इसमें सर्विस मैन्युफैक्चरिंग अगर करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक कर लीजिए, और अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस में क्लिक कर लीजिए। तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसलिए सर्विस, और यहाँ पर नॉन ट्रेंडिंग और ट्रेंडिंग को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका है, और NIC कोड को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं मालूम तो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप लोग सीधा, और इसमें हम सर्विस पे क्लिक कर लेंगे, और इस तरह से हम NIC 2 डिजिट कोड को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे 4 डिजिट कोड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो आप लोग भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। हमने इसमें सिलेक्ट किया है, और 5 डिजिट कोड भी हम सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे ऐड एक्टिविटी पे हम क्लिक कर लेंगे, तो इस तरह से ऐड हो जाएगा। तो हम दूसरा को भी हम इस तरह से ऐड कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग। आप यहाँ पे आपका जो भी बिजनेस कितना काम करते हैं वो काम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितना मेल कितना फीमेल कितना अदर्स लोग काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी आपने इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट का यहाँ पे अमाउंट को डाल दीजिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, जो भी इन्वेस्ट किया था वो इन्वेस्ट यहाँ पे डाल देना है, कितना कमाई वगैरह किया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है इस तरह से, तो आप लोग भी इस तरह से डाल देना है। डाल देने के बाद यहाँ पे हमने डाल दिया, आप लोग भी डाल दीजिए अपना हिसाब से, और इसमें नो कर दीजिए, और इसमें यस दोनों लास्ट में जो दोनों ऑप्शन है उसको यस और बाकी सब नो करके यहाँ पे जो भी आपका DIC है वो DIC को सिलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। तो ओके पे हमने क्लिक कर लिया है, इसमें क्लिक करके, और यहाँ पे मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। OTP देने के बाद यहाँ पे कैप्चर को देने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। फाइनल सबमिट पे क्लिक करके यहाँ पे ओके पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे CSC से 1 रुपया हम पेमेंट करना होगा। यहाँ पे पासवर्ड देंगे और वैलिड पे क्लिक कर लेंगे। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे पिन देंगे, वॉलेट पिन देने के बाद ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है और इस पोर्टल में आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे प्रिंट वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए। और इसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे एंटर कर देना है। उद्यम
रजिस्ट्रेशन नंबर को, ठीक है, और इसमें मोबाइल नंबर को देने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे चाहिए या वो ईमेल आईडी भी चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे वैलिडेट जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर कर देते हैं, हमने एंटर कर दिया है, मोबाइल नंबर को भी एंटर कर दिया है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को देने के बाद यहाँ पे मोबाइल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लेने के बाद इस तरह से आ जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरे के तरीके से इस तरह से। और एडिट करना है तो एडिट बटन पे आपको क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और सीधा यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर लेना है। सर्टिफिकेट को प्रिंट करने के लिए इस तरह से एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उद्यम रजिस्ट्रेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो चुका है एमएसएमई। तो यहाँ पर हम पीडीएफ को सेव कर लेंगे इस तरह से, यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है तो सीधा आप प्रिंट कर सकते हैं, तो हम सेव कर लेते हैं पीडीएफ फाइल से, ठीक है। तो इस तरह से अभी होने के बाद यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक कर लेना है सीएससी पोर्टल में, और यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना है माय प्रोफाइल, और इसमें आने के बाद यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर कर देना है, और इसमें मोबाइल नंबर को एंटर कर देने के बाद यहाँ पे चेक पे आपको क्लिक कर लेना है और वैलिड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएससी आईडी में इस तरह से आने के बाद यहाँ पे देने के बाद हमने चेक कर लिया है। चेक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिडेट सक्सेसफुल, ठीक है। तो दोबारा से चेक कर लेते हैं, इस तरह से सक्सेसफुल आप वैलिडेट ऑप्शन आ चुका है। तो इस तरह से आप लोग एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन सीएससी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना।